हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हरिशव अभिप्स एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम जो है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण वाले चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने उसका माइंड मैप भी देख लिया और एक नंबर के जितने क्वेश्चन थे वो सब कर लिया था बच्चों। अब जो है हम इस 10 साइंस के जो इस एग्जाम मिशन सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, वो जो आपके इकाई एक है उसके अध्याय नंबर 4 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के क्वेश्चन कितने हैं, 2 अंकों वाले जितने क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में। तो चलो बच्चों, कुर्सी की पट्टी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण जो चैप्टर है उसके 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन। तो भाई मैं एक चीज बता दूं आपको कि हम जो है इस यूनिट में 2 चैप्टर की बात कर रहे हैं, अम्लक्षार और इसका। तो जो अम्लक्षार जो क्वेश्चन आ गया, अगर उससे नहीं बना आपको तो इसमें आइए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ये भी दे देता है। लेकिन एक भूल मत कीजिए, क्या कि कभी कभी क्या करता है, 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर से आ जाता है, उससे नहीं आती, तो आपको उसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है। लेकिन जब मैं बात करूंगा 4 नंबर का तो क्या होता है, अथवा करके जो उसका रहेगा और नीचे में रहेगा इसका, तो ये तो बन जाएगी, बात बन जाएगी 4 नंबर प्रश्न में। लेकिन 2 नंबर वाली जो प्रश्न है उसमें बात गड़बड़ा सकती है और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में बात गड़बड़ा सकती है। जो टोटल 8 नंबर है तो उसके जुगाड़ के लिए जब हम लगे हैं तो क्यों ना इस पर भी डिस्कशन किया जाए। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। अब कैसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है सर, देख लेते हैं। अब हमारे पास कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड हुआ है, फिर ये बोल सकता हूँ जो आया है बोर्ड में, बाकी जो है उस चैप्टर से आता था। किससे? अम्लक्षार लवण से। अगर इससे आ गया तो 2 नंबर क्वेश्चन उससे नहीं आता था, उससे आता है अम्लक्षार से तो इससे नहीं आता है। तो ये चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए कि PYQ है सर, तो आप जो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं ऐसा बिल्कुल आपको माइंड में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है हम उसमें भी अच्छे से कर लिए हैं इस यूनिट का, और मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि ज्यादा क्वेश्चन जो है 4 नंबर की आती है, 2 नंबर की आने के चांसेस जो है एकदम इजी टाइप क्वेश्चन आता है और हलवा रहता है। तो चलो देखो क्वेश्चन देखो, किसी वर्ग में आयनन ऊर्जा जो है क्या होती है, बताओ। मैं तो आपको माइंड मैपिंग के दौरान बता के आया हूं आपको आयनन ऊर्जा क्या होती है। अगर आप माइंड मैप वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों, तो आप बिल्कुल जाइए हमारे चैनल में और बिल्कुल देख लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सर्च कीजिए, जैसे ही आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, उसमें आप जाइए 10 साइंस में देखेंगे कि हमने माइंड मैप किया है इस चैप्टर का, उसमें आपको पूरा क्या कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना सीक्वेंस है उसको हमने A to Z बताया। बस आपको उसको देखना है, समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चन आया था और मैंने इसका डिटेल्स भी दिया था आपको, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा कैसे किस प्रकार से परिवर्तित होती है भाई, अब 2 नंबर का प्रश्न है। आप यहां से लेकर यहां तक मैं खत्म कर दूं कि क्या लिखना है भाई। किसी वर्ग की मैं बात करूं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो आपको यह बताना है आयनन ऊर्जा डेफिनेशन दे देना। किसी विलगित अवस्था में किसी तत्व के बाह्यतम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। लिख दिए, यहां से लिखना चालू किए और यहां तक खत्म कर दिए। अब टू द पॉइंट आ जाना क्वेश्चन में, क्या वर्ग की बात करें तो वर्ग में क्या होती है भाई, वर्ग में आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ जाता है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी से मुश्किल नहीं, मतलब आसानी से निकाल लिया जाता है, मुश्किल नहीं होता। बस इतना ही लिखिए, 2 से 3 लाइन आ गया, आपको मिल गया 2 on 2 मार्क्स। क्लियर? मैं लिख के तुझे नहीं बता रहा हूं, आपको बस समझा दिया इतना लिखना है करके, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इतना 2 से 3 लाइन आ गई। अब इसी प्रश्न को और पूछा जा सकता है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयरन ऊर्जा बढ़ता है या घटता है, सॉरी घटता है, क्यों ऐसा पूछ दिया, तो क्यों के रीजन बता देना। क्योंकि आकार क्या होती है और आवर्त में क्या होती है, परमाणु का आकार, ये सब का कॉन्सेप्ट लगा देना, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है एवं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे बोल रहा है। अब विचार दिया गया है क्या, बेरिलियम, फ्लोरिन, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम और लिथियम, इनमें से किसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको देखिए और बता दीजिए कि क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये जो क्या है अंतिम कक्ष में है उसको बता ही मेंशन कर दीजिए, बोल रहा है, मतलब और कुछ नहीं पूछ रहा है, इसको बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, जो दिख गया उसको लिख देना है। चलो बात करें बेरिलियम, चलो बेरिलियम की बात कर रहे हैं हमें, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है भाई, क्या होगा 2 और 2, क्या इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। अब फ्लोरीन 9 है,
देखो भाई क्या आ गया, 2 और 7 आएगा, नहीं है, आता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, सिलिकॉन देखो भाई 14, बताओ भाई 2 आएगा 8 आएगा 10 हुआ 4 आएगा, अंतिम को उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्या बचा, पोटेशियम कैल्शियम और लिथियम, लिख देता हूं एक साथ, पोटेशियम 19 कैल्शियम 20 और लिथियम 3। क्या होता है भाई, 2 8 19 है 8 10 हुआ 18 19 है, कुछ तो है। फिर कैल्शियम बताओ भाई, कैल्शियम 2 8 8 2, नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन अंतिम में। फिर लिथियम 2 और 1 3 है, तो जी मतलब क्या समझे बच्चों, हम समझे सर कि इसमें जो है ये वाला और ये वाला, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। और ये बताइए कि ये कौन से ग्रुप में होगा भाई, देख लो लिथियम और पोटेशियम वाले किस ग्रुप में रहते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये जो है आपके एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, प्रथम नंबर के ग्रुप में। क्लियर, क्लियर हुआ, बस यही तो पूछा गया था, समझ में आया बच्चों। इसी को 2-3 तरीके से भी पूछा जा सकता है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है समान होते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है देख लो, क्यों और कारण बताइए। अब बताओ भाई, उपस्थित होता है एक ही वर्ग में तत्व, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है, उसे क्यों, हमें पता है एक ही गुणधर्म कैसे दिखाता है वो, क्यों उसमें एक जगह रखा जाता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है भाई, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होती है। होती है और क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समान होती है, और ये जो है क्या कर सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन का साझा, देखो अंतिम जो कोष है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होती है, ठीक है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। क्लियर, समान होती है, और क्या, इलेक्ट्रॉन का साझा करके वो जैसा हाइड्राइड बनाएगा, जैसा ऑक्साइड बनाएगी, वो सब पूरे एक ही गुणधर्म देगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही मूवमेंट करके, इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बनाता है, वो बॉन्ड बनाता है। अगर वो एक ही ग्रुप में है और एक जैसे गुणधर्म दिखा रहा है, मतलब ये कि वो जो इलेक्ट्रॉन समान दिख रहा है, वो समान इलेक्ट्रॉन ही सभी जो जिससे मिल रहे नए नए तत्व से, वो समान गुणधर्म के कारण क्या करता होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का साझा करता होगा, इस कारण से वो हाइड्राइड भी बनाएगा या फिर ऑक्साइड भी बनाएगा, तो भी उसके गुणधर्म जो है क्या होगा भाई, तभी वो समान होगा। तो ये लिख सकते हो क्योंकि इनके हाइड्राइड जो है एक समान होती है। चौथा भी लिख सकते हो क्योंकि ये जो है क्या कर सकता है भाई, अपने ऑक्साइड है वो भी एक समान होती है, तो ये क्यों होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया बच्चों यहां तक, आगे बढ़े, सरल है, ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आयनन ऊर्जा क्या है, समझाइए, फिर से वही क्वेश्चन, आयनन ऊर्जा के बारे में बच्चा जानता है, अब बिना पढ़े नहीं जानते भाई, पढ़ लिए हम लोग तो जान गए, फिर डेफिनेशन दे देना, आयनन ऊर्जा क्या है, वर्ग में और आवर्त में इसका क्या उपयोग है, या सॉरी इसका क्या इफेक्ट है, इसका क्या विशेषता है, इसको भी समझा सकते हैं। क्लियर, फिर एक तत्व की परमाणु संख्या 18 है, निम्नलिखित के बारे में समझाइए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती, समूह क्या है और तत्व का नाम क्या है। देखो भाई हलवा क्वेश्चन, अब 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा है, 18 नंबर क्या है इसका, परमाणु क्रमांक जो है 18 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 2 8 10 हुआ 18 हो गया, ठीक है। अब बोलेगा कौन से ग्रुप में है करके, देखो भाई अष्टक पूर्ण दिख रहा है अंतिम कोष में, अष्टक पूर्ण जैसे ही हुआ सब बोल सकता है, सब बता सकते हैं, क्या है भाई, क्या ये अक्रिय तत्व हुआ, तो कौन से समूह में है भाई, ये शून्य समूह बोल सकता हूँ इसे, या फिर 18वें ग्रुप बोल सकता हूँ, 18वें समूह, इसी को ही 18वें समूह भी बोला जाता है, 18वें समूह। क्लियर हुआ, अब उत्तर तो कौन होगा भाई, बच्चा भी बता सकता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, फिर मैं बात करूँ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन और फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और 18 नंबर का आर्गन,
तो क्या हुआ बच्चों, जिसका परमाणु क्रमांक 18 है वो क्या है, आर्गन। बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको आवर्त सारणी के प्रथम 30 से 40 तत्व के जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है। जैसे उसके याद रखोगे, या फिर ये बोल सकता हूँ आप ग्रुप में देखोगे उसका सिमिलैरिटीज देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे याद करना है बच्चों, ठीक है। मैं ए टू जेड आपको रटवाऊंगा नहीं, रटवाने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद हो गया होगा। हाइड्रोजन से लेकर आप पहले कीजिए कैल्शियम तक 20 तक, उसके बाद स्कैंडियम से लेकर आप कीजिए जिंक तक 30 हुआ, फिर 30 के बाद फिर 10 बचा है उसको एग्जाम आते तक कर लेना, ठीक है। चलो ये समझ में आया, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया बच्चों, कैसे करना है, कैसे डील करना है। ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं इससे, दो नंबर क्वेश्चन आएगा वो भी हलवा क्वेश्चन रहेगा। और कुछ पूछ सकते हैं, कैसे डोब्रेनर सर का त्रिक नियम को समझाइए, बता देना कैसे होता है, वो भी दो नंबर में पूछा जा सकता है। और अष्टक नियम क्या है उसको भी बता देना, सॉरी हाँ अष्टक नियम ये भी क्या क्या होता है, अष्टक नियम नवी क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं अगर, तो वो भी बता सकते हैं। और क्या न्यूलैंड का अष्टक नियम, सॉरी मैं आगे पीछे हो गया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है वो भी बता सकते हो। कैसे, सारे गामा पधा नी सा के जो सीक्वेंस में प्रथम जो आठवें तत्व है वो क्या होती है भाई, सिमिलैरिटीज दिखाती है, अष्टक नियम न्यूलैंड का ये भी हो गया। फिर बोल दिया लोथर मेयर वक्र को बताइए करके, चार नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम चार नंबर में डील कर देंगे। दो दो नंबर के क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पर एक्सपेक्टेड पर मैं बात कर रहा था। ये समझ में आई, यहां तक बात समझ में आया। अब वो बोला कि सोडियम और पोटेशियम जैसे हो गया, इसमें क्या सिमिलैरिटीज है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देख लेते हैं, हम देखते हैं कि हाँ किसका आकार बड़ा होगा और क्यों। चलो ये आया मजेदार क्वेश्चन, अब कैसे जानोगे लिथियम और बोरान है, कैसे जानोगे। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस याद करना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान, ऐसे पढ़ते हो एक एक दो, एक दो तीन चार पांच में है। लिथियम देखो 3 परमाणु क्रमांक, बोरान देखो 5 परमाणु क्रमांक, पांच परमाणु क्रमांक। अब हाइड्रोजन से चालू करता हूं मैं, ऐसे हीलियम लिथियम से चलता हूं, लास्ट आता है नियान। तो क्या ये लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम एक ही आवर्त में आते हैं, हाँ लिथियम और बेरिलियम एक ही आवर्त, सॉरी बोरान एक ही आवर्त में आता है। और आवर्त में मैं लेफ्ट से राइट चलता हूँ क्या होता है बच्चों, बाएं से दाएं चलता हूँ क्या होता है, परमाणु आकार जो है कम होती है। तो लिथियम का परमाणु आकार क्या होगा जी, बड़ा होगा। अतः मैं बोल सकता हूँ कि लिथियम जो है क्या होगा भाई, लिथियम जो है बड़ा होगा, लिथियम जो है बड़ा होगा बोरान से, ठीक। फिर सोडियम और पोटेशियम देखो, कहाँ सोडियम और कहाँ पोटेशियम, कैसे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, उसके बाद बात करूं सोडियम, सोडियम देखो सोडियम से चालू हो गए, फिर नीचे देखो नीचे आता है के, आपको याद ही होगा इसका परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का 11, परमाणु क्रमांक सोडियम का अगर 11 है तो मैं बहुत बात कर सकता हूँ कि ये सोडियम जो है 11 है यहाँ, और ऐसे सीक्वेंस चलता रहा तो लास्ट में इधर आर्गन आता है 18 में, फिर इधर आ जाता है फिर से आपका आपका पोटेशियम का के। अब क्या समझ में आया, पोटेशियम जो 19 होता है सर और एक ही वर्ग में है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो क्या होता है परमाणु साइज जो है जी, परमाणु साइज जो है बढ़ता है, तो अतः पोटेशियम जो है बड़ा होगा सोडियम से, क्लियर बच्चों, ठीक। फिर देखो Mg और Cl, अब Mg और Cl में क्या हो, ये भी वर्ग में है, Mg 12 होता है, परमाणु क्रमांक 12, इसका 17, इसका 11 और इसका कितना जी 19, और इसका 3 और इसका 5, देखो एक ही वर्ग में है तो क्या होगा, ऐसा होगा नहीं, 12 है तो 12 बड़ा होगा 17 से, क्यों, क्योंकि एक ही वर्ग है, एक ही वर्ग में आपका किसका मैग्नीशियम का आकार जो है क्लोरीन से बड़ा रहेगा, क्योंकि एक ही वर्ग बोलते हैं जी, एक ही आवर्त में रहने के कारण जब मैं बाएं से दाएं चलता हूं तो छोटा होता है इधर, तो ये बड़ा होगा, अतः ये मैग्नीशियम जो है बड़ा होगा क्लोरीन से। तो इस प्रकार से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और आपको डेफिनेशन याद रखना है, हर जो आपके वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया था उसको भी आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट में क्लियर रखना है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही करते हैं, मिलते हैं चार नंबर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस पर, फिर इसी प्रकार ये हमारा पहला यूनिट से हमें मिल गया पूरा पूरा मार्क्स पूरा कवर हो गया बच्चों, ठीक है। चलो आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।